ਸਤਲੁਜ ਨਦੀ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਫਿਲੌਰ ਦੇ 4 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੰਨ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡੀਸੀ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਐਸਐਸਪੀ ਦੇਹਾਤੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। इस दौरान एसएसपी नवजोत सिंह माहल ने खुद ट्रैक्टर से बैठ के एनडीआरएफ ते आर्मी टीम दे नाल मिलके उत्थे फसे लोगों नूं बाहर कढ़िया। इस दौरान डीसी वरिंदर कुमार शर्मा ने कहा कि रेस्क्यू सेंटर कई थावां ते बना दिते गए ने, जो आले दुआले दे पिंडां दे लोग ने ओ उत्थे जाके रह सकते ने। फिलौर दे एरिए दे विच 4 थां ते जिहड़ी हैगी है बन टुट्टिया हैगा, और इस च जिहड़ा हैगा माओ साहब दे नेड़े तेड़े पॉइंट्स हैगे ने जिथे आपां इत्थे पिछे खड़े हैं, और इस च माओ साहब मियोवाल और इस एरिए दे विच होया, बट असी ऑलरेडी एनडीआरएफ और आर्मी दी जिहड़ियां टीम सीगियां उन्हां नूं बुला के पिछे बंद दे नेड़े तेड़े जिहड़े 15-20 लोगों का अंदेशा है कि वह फसे हुए ने घरां दे विच, एसएसपी साहब उन्हां नूं आर्मी वाले और एनडीआरएफ की टीम लैके 4 बोट्स ऑलरेडी भेजियां जा चुकियां ने, और हुणे जिहड़ियां फोटोग्राफ्स आईयां ने 4 बंदे उन्हां च रेस्क्यू किए जा चुके ने। बड़ी जल्दी असी सारे लोगों नूं इत्थों रेस्क्यू कर लांगे, और असी आपदे वल्लों पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जिहड़े भी किसी का जानी नुकसान ना होए, और अगले एरियाज़ नूं भी साडी यही बेनती है जिहड़े नकोदर और शाहकोट और लोहियां दे हैं ने, जिवें असी कल वार्निंग दित्ती सी कि पिछों पानी, क्योंकि लगातार इत्थे 2.5-3 लाख क्यूसिक जिहड़ा पानी है वह फलौर नूं क्रॉस किया है, आने वाले समय में जिहड़ा हैगा इहने अज दिने लोहियां शाहकोट पहुंचना। मेरी यही बेनती है कि लोग दूर उच्चे खेत्रां दे विच जिथे साडे रेस्क्यू सेंटर बने उत्थे चले जाण, पर फिलहाल जिहड़ा रेस्क्यू सीगा ऑलरेडी असी आर्मी और एनडीआरएफ और स्टेट जिहड़ी साडी डिजास्टर फोर्स हैगी उहदी मदद दे नाल असी एसडीआरएफ भी इत्थे आई हुई है, असी ऑलरेडी शुरू कर दिता है। जिहड़ा प्रभाव है वह काफ़ी ज़्यादा है, स्पेशली नवाशहर सब डिवीजन के जिते असी राइट नाउ खड़े हाँ, इतने थोड़ी जी जगह ब्रिज भी है और उस ब्रिज को कवर करने का अरेजमेंट भी चल रहा, पर साडे जिहड़े ज़्यादा वर्नेबल पॉइंट्स ने वो साडे तकरीबन 50 दे ज़्यादा पॉइंट बनते हैं वर्नेबल, असी उन्होंने वर्नेबल पॉइंट्स को कवर अप करने वास्ते लोगों को रिक्वेस्ट की है कि भी वो अपने जिहड़े रेस्क्यू सेंटर्स है वो भी चले जाए, क्योंकि पानी का प्रभाव अगर ज़्यादा हो गया तो फिर वो अगों होर भी मार कर सकता है। उत्थे दस दईए कि पंजाब दे कई शहरां विच हड़ दे कारण लोग बेघर हो चुके ने। पानी लोकां दे घरां अंदर जा चुका है, जिथे किते भी उन्हां नूं जगह मिल रही है ओह उत्थे ही अपने परिवार दे नाल बैठ गए ने। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਟਰੂ ਸਕੂਪ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।